गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भाई आज मेरी अपॉइंटमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस की लर्निंग के, तो अभी वहीं जा रहा हूँ मैं। पहले बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ से स्टेटमेंट निकलवाऊँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा ऑफिस जाना है। पहले भाई लाइसेंस बनाने की पूरी डिटेल मैं आज आपको दूँगा, जो भी भाई साइप्रस में आए हैं और जो लीमा सोल में रह रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है, कितनी फ़ीस है, वो सारा आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। बाकी देखते हैं क्या क्या पूछते हैं, आज लाइसेंस मिलता है लर्निंग का, तो बने रहना वीडियो में। मेरी अपॉइंटमेंट वैसे 2:15 बजे की है, तो उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट मुझे इकट्ठे करके जाना पड़ेगा। पहले बैंक जाना है, बैंक से स्टेटमेंट निकलवानी है, ठीक है। तो फिर मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूँ, तो बस की वेट कर रहे हैं। होप सो आज सब अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच। बैंक स्टेटमेंट निकाल लिए मैंने, ये रही बैंक स्टेटमेंट, स्टैम्प दिख रही होगी आपको। तो वैसे तो वो खुद ही स्टैंप लगा देते हैं, तो उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपकी 6 मंथ्स की स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, जब भी आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है यहाँ पे साइप्रस में। डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है, उसकी मैं डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको वीडियो में भी बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे प्रॉपर, जब मैं सारा कुछ डन हो जाएगा मेरा, ठीक है। भाई मेरी अपॉइंटमेंट से बात होगी, बट मैं पहले भी आ गया, आप भी पहले आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रिसिप्ट देंगे आपको, उसमें लिखा हुआ है टिकट नंबर जो भी है, और उसके बाद एक ये फॉर्म देंगे। ये सारा फॉर्म वैसे ग्रीक में है, तो आपको भरने की जरूरत नहीं है, वहाँ जो मैडम होगी वो भर देगी सारा फॉर्म आपका। और उसके बाद यहाँ पर आपके 10 यूरो फीस लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंटेशन में आपका आरेंजमेंट कार्ड, जिसको पिन कार्ड बोलते हैं, वो देखेगी, वो पासपोर्ट देखेगी और आपको ये फॉर्म बना के दे देगी। और इसके बाद हमने जाना है ट्रांसपोर्ट ऑफिस से, होकर यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर है, तो अभी आप ये जाएंगे हम ओल्ड हॉस्पिटल, वहाँ से जो बस नंबर 4 लेंगे वो वहाँ पर जाएगी। तो बाकी आपको मैं आगे बताऊँ क्या डील चाहिए। तो भाई ये जो ऑफिस है, ये लीमा सोल का ऑफिस है, ओल्ड पोर्ट पर पड़ता है ये, ठीक है जी। तो जो भी मेरे भाई लीमा सोल में रहते हैं, तो पहले उनको यहीं पे आना पड़ेगा। सिटीजन सर्विस सेंटर ग्रीक में लिखा है, तो कहीं को पता लगता नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं इसका जो मैप का लिंक है, मैं अपनी डिटेल में डाल दूँगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना इसकी लोकेशन। तो भाई यही थी इन्फॉर्मेशन अभी तक की, तो आज ही मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड, तो मिलते हैं। तो भाइयों ये है ओल्ड स्ट्रीट लीमा सोल की, तो अब हम ऑफिस से जा रहे हैं बस स्टैंड, ठीक है जी। तो यहाँ से 15 मिनट लगते हैं ओल्ड हॉस्पिटल बस स्टैंड पहुँचने के लिए, वहाँ से हमने बस नंबर 4 लेनी है। साथ में मेरे वाइफ भी आ गई है, कह रही मैं भी साथ चलूँगी, मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कैसे डीएल बनता है। मैंने कहा बाद में वीडियो देख लियो भाई तू, कहती नहीं मैंने एक्सपीरियंस करना साथ जाने का। तो मैडम भी साथ साथ वॉक पे। 15 मिनट की वॉक के बाद हम ओल्ड हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने वेट करना है बस नंबर 4 का, वो आएगी, उसमें बैठेंगे और हम जाएंगे ट्रांसपोर्ट के ऑफिस। तो भाई ये बस स्टैंड पे लगी हुई है वेंडिंग मशीन, यहाँ से आप जो भी खाना पीना है, कोल्ड ड्रिंक, पैसे डालो और निकल लो। भाई ये बस नंबर 4 आ चुकी है, जो दिखे नंबर लिखा 4 इस पे, तो हम उसमें जाएंगे बैठ के, ठीक है जी। भाई मैं पहुंच गया हूँ रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, अब आगे यहाँ पे साइन वगैरह पूछेंगे। तो ये बुकलेट है, तो इसमें साइन फिर पढ़ लिए, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई बात ऐसी है,
गए थे अंदर ऑफिस में, पहले तो भाई काउंटर पे जाए तो बंदा बोलता कि भाई आपने अपॉइंटमेंट ली है यहाँ के लिए, हमने कहा अपॉइंटमेंट तो ऑलरेडी हमने 2:15 की ले रखी है, वो कहता कि नहीं वो निचले ऑफिस की अपॉइंटमेंट है, यहाँ से अलग से लेनी पड़ेगी। मैंने बोला लो लगता है जाने नहीं देंगे। फिर भाई थोड़ी देर वेट किया, इनके वो नंबर पे कॉल की जिस पे अपॉइंटमेंट मिलती है, वो नंबर कोई उठाता नहीं है, ऐसी फालतू है। फिर एक दूसरा आदमी खड़ा था काउंटर पे, उसने बोला कि क्या प्रॉब्लम है, उसको मैंने बताया कि मेरे डॉक्स हैं, मैं निचले ऑफिस में गया था, वहाँ से मैंने 10 यूरो की अपनी रिसिप्ट कटवाई है, मेरी आज लर्निंग लाइसेंस के लिए इंटरव्यू है। तो भाई सोचा था कि आज साइंस प्रिपरेशन हो जाएगी, बट इन्होंने एक और पंगा डाल दिया है। जैसे मैं अब यहाँ पे अब स्टूडेंट पे आया हूँ, तो इन्होंने भी ये रूल निकाल दिया कि भाई अब आपको जो फोर्थ सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन लेटर लेके आना पड़ेगा, अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन लेटर होगा तो ही आपके आगे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई यहीं पे हो जाता है ये चैप्टर क्लोज। भाई जो भी एक्साइटमेंट थी आज की कि आज जाएंगे साइंस उन बता देंगे, लाइसेंस हाथ में आ जाएगा, तो ऐसा भाई कुछ नहीं हुआ आज। आज थोड़ा सा मूड डाउन हो गया इस चक्कर में, मैं तो अच्छी तरह से लर्न किए थे साइन जो भी थे। इसमें ये है कि इसमें आपकी टोटल फीस जो है 30 यूरो लगती है, 10 यूरो वहाँ लग गए निचले ऑफिस में, 20 यूरो यहाँ लगेंगे आपके, टोटल आपके 30 यूरो में आपका लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा। चलो ठीक है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आगे की होगी मैं आपको बता दूंगा कि मैं कैसे लाइसेंस बनाया अपना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना जब कुछ टाइम आया आगे की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगा मैं थोड़ी सी, तो चैनल को सपोर्ट कर लेना भाई, थैंक यू सो मच। तो भाई साहब स्टोरी आपको लग गई पता, तो भाई ऊपर का वैसे मौसम ना बड़ा कैंट मौसम है, दिल तो कर रहा है घूमने का कि भाई थोड़ा सा ऊपर गार्डन है, एक फॉरेस्ट गार्डन है वहाँ जाएँ, बट भाई जॉब पर जाना है अभी 5 बजे, तो वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अभी बस की वेट कर रहे हैं, बस भी नहीं आई अभी, पता नहीं यहाँ की बस कैमरा हिल रहा है भाई, यहाँ की जो बस सर्विस है वो भी थोड़ी सी टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती है, एक दो घंटा, और अब नीचे जाने में भी कम से कम 1 घंटा तो भाई मान के चलो लगेगा, 1 घंटा ऊपर आने के लिए और 1 घंटा नीचे जाने के लिए। तो उसी हिसाब से प्लान करना जब भी आप अपना लाइसेंस बनाने लीमा सोल में आओ, ठीक है जी। बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में दे चुका हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।